वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो मिली थी उसमें यहाँ फाइबर क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब है कि हमें अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या हमें रिफॉर्म करने चाहिए, उस पर बेस्ड ये वीडियो है। आप देखेंगे हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। इन इंडिया 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ की, क्योंकि हम लोग यहाँ इंडिया में जो है सब अधिकांश जो लोग हैं 90% पीपल है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। दस टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बिकम नेसेसिटी फॉर रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। अब क्योंकि 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ जो क्या है जो टेक्नोलॉजिकल है और इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है वो उसमें करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे कि हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें बहुत सारी मिल सके, ठीक है। तो इसमें एक तो आपने अब सबसे पहले हम क्या है जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है वो क्या है हमारा, तो पहला टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंक्लूड क्लर्कवाइजेशन, ठीक है। जो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है वो उनमें क्या आता है, जैसे क्लर्कवाइजेशन आता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड आता है, लैंड होल्डिंग्स है, और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका जो डेवलपमेंट है वो इसमें आता है। एवलाइजेशन ऑफ जमींदारी, ठीक है, जो जमींदारी जो प्रथा थी उसको खत्म करना, ठीक है। सो लैंड रिफॉर्म वॉज मेन फोकस इन अवर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, इसलिए हमारा जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसमें सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म पे ही फोकस किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। पहले आपने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अब है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो मशीनरी जो रिफॉर्म आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट देयर इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग समवेयर, ठीक है। अब जो लॉज है लैंड रिफॉर्म का वो इनेक्ट तो हुआ है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट तो किया गया है, लेकिन जिसका इम्प्लीमेंटेशन है वो इनेक्ट किया गया है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम है, ठीक है, कहीं कहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960 और 70, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1960 और 70 में इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो क्या हो सके, वो उसमें रिफॉर्म आ सके, ठीक है। जैसे द ग्रीन रेवोल्यूशन विच वॉज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपने पढ़ा होगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था 1960 और 70 में, तो उसमें किस पे जोर दिया गया, जो नई जो टेक्नोलॉजी पे था, जैसे HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, इन सारी चीजों जितने भी मॉडर्न इनपुट्स है उन पे उनके यूज पे कंसंट्रेशन किया गया। एंड द वाइट रेवोल्यूशन कम इन द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर में आया, ठीक है। इट हैव टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर अलॉट, और जब व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे बहुत सारा जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ। बट द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट रिमेन ओनली इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया, लेकिन जो इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट तो किया गया लेकिन हर स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है, कुछ ही स्टेट में इस पर ध्यान दिया गया, और जिन स्टेट में इन पे ध्यान दिया गया वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन था वो हर स्टेट में नहीं था, हर जगह नहीं था, वो कुछ सिलेक्टेड एरिया में था, ठीक है। बेटा हमारा वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो कितना है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो आपको मालूम है कि आपने पढ़ा कि अधिकांश 90% पीपल है हमारे इंडिया के वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, हमारी कंट्री का बैकबोन है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड टू अबाउट 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 2010 और 2011। अगर हम 2010 और 11 की बात करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो कम से कम हमारे यहाँ जो 52% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उसका उनका जो लिवलीहुड है वो किस पे और एम्प्लॉयमेंट है किससे चलता है, एग्रीकल्चर से चलता है, ठीक है। बट द मेजर कंसर्न इज द रिड्यूसिंग
ट्रेंड ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल जीडीपी फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड, ठीक है। लेकिन लगातार 1951 से सबसे ज्यादा कंसर्न होने की बात ये है, सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि लगातार इसमें क्या है, इसका जो एग्रीकल्चर का जो नेशनल जीडीपी में जो शेयर होना चाहिए वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो फेसिंग मैनी चैलेंजेस। आज इंडियन जो फार्मर है उनके सामने बहुत सारे क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस है। द रिजल्ट इज इंक्रीजिंग फार्मर्स सुसाइड इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप देखते हैं, हमेशा सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि अधिकांश हमारे जो फार्मर है, क्योंकि क्या हो जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। वो अपना जो कर्ज है जो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए लिया होता है तो वो नहीं दे पाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये एक जगह की बात नहीं बल्कि इंडिया के अलग अलग कोनों से ऐसी खबरें आती है, ठीक है। फार्मर्स आर ऑल्सो विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और यहाँ तक कि अब फार्मर भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं फार्मिंग में, और वो भी अपना जो पैसा है, अपना जो जो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कॉजिंग रिडक्शन एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका कारण ये है कि जितना उनको क्या मिलना चाहिए, जितना एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता है, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी ज्यादा है और उनको उनकी कैपेबिलिटी से कम उनके पास काम है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, जो इन्वेस्टमेंट उनको एग्रीकल्चर में करना चाहिए उसको वो लगातार विड्रॉ कर रहा है। अगला टॉपिक जो हमारा बेटा हुआ है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इसके एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंसल्टेड अफोर्ड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगातार उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, क्या करके, थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। क्या एस्टेब्लिश करके, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोल के, एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ वेदर फॉरकास्ट एटसेट्रा, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी जो लोकल रोड है, रूरल रोड मार्केट है, वो उनके लिए जो क्या है, रोडें बनवाई हैं जिससे कि वो क्या है, जो रूरल मार्केट्स है वो किससे जुड़ सके, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, आप टॉपिक वाइज का क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है।